आज हम लो बीपी, कॉन्स्टिपेशन एंड जीईआरटी यानी एसिडिटी, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स पहले के बारे में बोलने जा रहे हैं। लो बीपी के लिए यही ले लेते हैं। लो बीपी कोई बीमारी नहीं है, आदमी डरता है, संकुचन होता है और भोजन की अनियमितता के कारण लो बीपी की तकलीफ व्याधि उसे होती है ना। माइंड से जितना वो हैप्पी रहेगा, जितना हैप्पी रहेगा, जितना खुश रहेगा, जितनी यहाँ वहां की बातें ना सोचते, उधेड़ बिन में लगता है ना, जैसे वो सुई धागे और बिनने में लगता है, जिससे जितना उससे बचेगा। देखिए, कल किसी ने देखा नहीं, आज रात को सो गए तो कल होगा कि नहीं होगा किसको पता नहीं, है ना। तो इसलिए वो कल की चिंता नहीं, 10 साल के बाद की चिंता, 15 साल के बाद, और अपनी जनरेशन के अगले जनरेशन की भी चिंता कर लेते हैं, ये तकलीफ होती है। और मन कहते हैं ना, जो आपने मन से चाहा वो काम होता नहीं, नहीं होता है तो उसमें क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट होने से सर्वनाश होता है, ऐसा भगवत गीता कहती है। करते हैं मकर आसन में कुछ मिनट के लिए, जिनको भी होगा ऐसे लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड रख के दोनों पैर ऐसे उल्टा करके, ऐसे माथे को दोनों हाथों को ऊपर रख के थोड़ा सा विश्राम करेंगे। ये थोड़ी सी विश्राम की मुद्रा में ऐसे मकर आसन, मगरमच्छ कैसे रहता है विश्राम की पोजीशन उसी में रहेंगे। इसे हार्ट बीट प्रोन पोजीशन है, प्रोन पोजीशन अभी पहले मुझे नहीं पता था, अभी तो डॉक्टर विश्वरूप राय ने बताया कि ये प्रोन पोजीशन है। इससे 20% आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायर और पूरी हो जाती है, तो आप थोड़ी इसका ही सी कारण है ऋषि मुनियों ने इसको मकरासन दिया था, कि मकरासन करने से ब्रीदिंग आपकी थोड़ी सही सी होगी, कैमरा ब्रीदिंग को सही होगी। ऊपर उठाएंगे तो दिखा जाएगा, हम लोग सर नहीं दिख रहा है। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अभी ठीक है। दिखा यस देखो, यस देखिए ऐसे दोनों पैर के पंजे ऐसे बाहर की तरफ होंगे। अब इसमें क्या हुआ, तो पेल्विक रीजन में आपके दबाव आया, पेट के ऊपर भी इसका दबाव पड़ेगा, है ना। दोनों पैर की एड़िया अगर मिला लेते हैं तो भी चलता है, इसे दोनों पैर की एड़िया मिलाइए, दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ कीजिए और देखिए क्या हो रहा है। तो रक्त का प्रवाह तेज होता है, जो लो बीपी है वो नॉर्मल बीपी में बदल जाता है। पहला प्रकार ये हो गया, पहली एक्सरसाइज। उसके बाद दूसरी है, दूसरी अभी डायरेक्ट कोई सर्वांगासन कर नहीं पाएंगे, एक सेकंड, तो सर्वांगासन कोई डायरेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे सर्वांगासन क्या है तो मैं आपको साइड से बताता हूं। ये है सर्वांगासन के लिए हम जब जाते हैं, दोनों पैर सीधा, 1 45 डिग्री, 2 90, 3 अर्धालासन, 4 सर्वांगासन। यह सर्वांगासन है लो बीपी के लिए, पाचन तंत्र के लिए, है ना, जो इस शिरा स्थित बेरिकोज हो जाती है उसके लिए, और ऑल इन वन बहुत सारी तकलीफों के लिए, ये माताओं बहनों में जो पीसीओडी आदि है उन सब के लिए, है ना, और गैस गैस कब्ज अपचन आदि के लिए ये बहुत ही सर्वांगासन बहुत उत्तम आसन है। तो इससे हाई लो बीपी भी ठीक होती है, ठीक है। ये सर्वांगासन। अच्छा, जो इसको ना कर सके तो क्या करे, सर्वांगासन के बाद हलासन है, दोनों पैर ऐसे जमीन पे लगाएंगे, दोनों पैर जमीन पे लगा के दोनों हाथ ऐसे रेल की पटरी की तरह सीधा होगा, ये है हलासन। हलासन करने से भी कॉन्स्टिपेशन, अपचन आदि और मोटापा आदि सब दूर होते हैं, ठीक है। हलासन इसके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं, और धीरे धीरे करके आके आप ऐसे फिर नीचे आ जाएंगे विश्राम में। विश्राम के बाद क्या करेंगे, सर्वांगासन हलासन के बाद, ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छी काम करती है, मतलब थायराइड के लिए स्पेशल आसन है सर्वांगासन हलासन मत्स्यासन, तीन आसन थायराइड के लिए मौजूद है। तो यानी थायराइड को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, लो बीपी को ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, पीठ के लचीलेपन को बढ़ाता है, पीठ दर्द आदि, कंधे के दर्द आदि से छुटकारा देता है ना। कंधे के दर्द जिनको होते रहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा दर्द में जी रहे होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अब जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है वो क्या करेंगे, तो 1 गिलास नींबू पानी, 1 से 2 गिलास नींबू पानी पी के, और दोनों हाथ के अंगूठे से पकड़ के, दिख रहा है बरोबर, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, ठीक दिख रहा है। हाँ सबको ठीक दिख रहा होगा, मुझे दिख अच्छा, रहा अब होगा। देखो ऐसे दोनों हाथ सर के पीछे ले जाए, देखिए दोनों हाथ सर के पीछे ले जाए, चेस्ट कहां पर बनाए, अभी हमारी माताएं बहने सभी लोग ऐसे चेस्ट कहां बनाए,
सर को नीचे जमीन पे लगाएं, दोनों हाथ से पैर के अंगूठे पकड़ें, एल्बो जमीन पे टिकाएं, सर के ऊपर जो लोड था उसको कम करें, यहाँ कपालभाति करें। कपालभाति के बाद धीरे से पैर छोड़ के दोनों हाथ सर के पीछे लें, धीरे से इसको सीधा करें और छोड़ दीजिए और विश्राम करेंगे। हर आसन के बाद विश्राम, जैसे सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, ये तीनों आसन एक के बाद एक होंगे। भुजंगासन बैकवर्ड बेंडिंग, और कॉन्स्टिपेशन वाले भी भुजंगासन करेंगे, डायबिटीज वाले भी करेंगे। तो ये आसन ऐसा नहीं कि इस बीमारी के लिए पर्टिकुलर सिर्फ यही आसन काम करेगा, हम कहते हैं सिर्फ एक ही आसन कीजिए सारी बीमारियों के लिए काम करेगा, क्योंकि ऑर्गन से संबंधित ये शरीर में क्या है, शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं और नस नाड़ियां हैं। बॉडी में लचीलापन लाने से बीमारियां दूर होती हैं, बॉडी में जो कड़ापन है, प्लास्टिक है, प्लास्टिसिटी है, जो इलास्टिसिटी नहीं है, इलास्टिसिटी यानी लचीलापन, लचीलापन खत्म, बीमारी पैदा होना शुरू हो गई, लचीलापन लेके आइए बीमारी खत्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम एक बार बीमार थे तो हमें कमर में पड़ता, गले में पड़ता, तो गए थे तो तुरंत हमको ये आसन नहीं मिला, पहले वो बीमारी ठीक किए, षटकर्म किए, षटकर्मों के द्वारा हमारे शरीर विजातीय तत्वों को नाश किए और उसके बाद धीरे धीरे हमारे मन को सही किए। पहले सबसे पहला मन को सही किए, क्योंकि समय मन विचलित होता है, बीमार व्यक्ति का मन विचलित होता है, ये अनुभव के साथ कह रहा हूँ, जो कोई कह रहा हो तो मैं उससे मतलब अपनी बातें कर सकता हूँ। बीमारी के समय मन विचलित होता है, मन आगे पीछे की सोचता है, प्रेजेंट में कभी नहीं रहता है। सही बात है, ये मेरे एयरबड्स से आवाज सुनाई दे रही कि नहीं? दो ही तीन आसन करते हैं ना, पूरे बॉडी के लिए काम करता है। बस यही है कि जो आसन करें तो उसका काउंटर आसन भी करें, है ना, किसी भी आसन का काउंटर आसन जरूर करना चाहिए। जैसे अभी हमने सर्वांग आसन किया, हलासन किया, उसका काउंटर आसन है मत्स्यासन। अब आप आगे हम करेंगे क्या, सलभ आसन, भुजंग आसन। सलभ आसन के लिए हम पीठ पे लेट गए, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, हाँ कॉन्स्टिपेशन के लिए, जो इसके पहले था वो भी है, ये भी है। अब ये कॉन्स्टिपेशन के लिए इसलिए है कि सलभ आसन करने से, ऐसा ऋषि कहते हैं कि आपके जो सलभ आसन में दोनों पैरों को उठाते हैं उससे हमारे क्या क्या बीमारियां ठीक होती है, तो साइटिका ठीक होता है, बैक पेन ठीक होता है, लंग्स की ज्यादा मात्रा में बिलाइयां ओपन हो जाती हैं, हार्ट बीट तेज हो जाता है, रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है, आंतों में छुपे हुए मल, जो आंतों में छुपे हुए कष्टकारी मल को बाहर निकालने का काम करता है सलभ आसन। तो सलभ आसन से आपके कंधे, हाथ, पूरी बॉडी भी मजबूत होती है और इससे कॉन्स्टिपेशन भी जाता है, बैक पेन भी जाती है। देख लीजिए, इसे चीन नीचे, दोनों हाथ, हाथ के तलवे जमीन पे, थाई के नीचे रखेंगे, दोनों छोटी अंगुलियां आपस में मिलेंगी और धीरे से ब्रीथ एक्सहेल करके दोनों पैर उठाएंगे, ऐसे उठा के तानते जाएंगे, होल्ड करेंगे, नीचे आएंगे, ऐसे तीन बार करेंगे, तीन बार के बाद आप विश्राम में जाएंगे। विश्राम क्या है, तो राइट लेग को मोड़ेंगे, लेफ्ट लेग के ऊपर रखेंगे, अंग्रेजी का चार बनाएंगे और दोनों हाथों को बॉक्स बना के राइट नॉस्टिल ऊपर रखेंगे। चलिए, ये हो गया सलभ आसन।
शलभ आसन के बाद अब आते हैं भुजंगासन। तो भुजंगासन क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगा, ये भी बैक पेन को ठीक करेगा, लंग्स की मजबूती बढ़ाएगा, सर्वाइकल पेन, इन कंधे के दर्द आदि को दूर करेगा। ये कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा साइड क्रॉस होके बताता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। तो रोबर देखिए, पेट पे ऐसे लेट जाएंगे, शलभ आसन एक बार फिर से बता देता हूँ, शायद दिखे यहां से अच्छा दिख जाए। दोनों पैर ऐसे लेंगे पीछे, दोनों हाथ नीचे, ब्रीद आउट, तानिए। धीरे से नीचे। इसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन के तीन प्रकार हैं, दोनों पैर के टो के ऊपर रहेंगे, टो के ऊपर रहना अच्छा है, और टोडे को 4 इंची ऊपर उठाएंगे, गर्दन को सामने रखेंगे, ये सर्वाइकल के लिए काम करेगा, जिन्हें सर्वाइकल का पेन है वो जरूरी सीखें। दूसरा वाला थोरैसिक एरिया, जो पीठ कंधे के पीछे दर्द होता है, कंधे का दर्द होता है, पीठ का दर्द होता है, पीठ के दर्द के लिए दूसरा नंबर करेंगे यहाँ, इसमें सर्वाइकल और पीठ दर्द दोनों कवर हो रहा है, ठीक है। जिन्हें लंबर दर्द, लंबर पेन है, दोनों हाथ नीचे रखेंगे इसे और पूरी बॉडी को इसे सीधा कर लेंगे, ये लंबर पेन वहां के लिए काम करेगा, डायबिटीज के लिए काम करेगा, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी वही काम करेगा, थायराइड के लिए भी ये काम करेगा भुजंगासन। तो आसनों में ऐसे मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आसनों में ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर बस यही आसन इसकी बीमारी के ऊपर काम करेगा, अरे एक आसन तो काम ही करता है, दूसरे आसन भी जो करेंगे वो भी इसके ऊपर काम करेगा। भुजंगासन में यहां से आके फिर नीचे आए, वापस विश्राम करें, विश्राम में राइट लेग को मोड़ के लेफ्ट लेग के ऊपर रखें, अंग्रेजी का चार बनाए, शांति पूर्वक लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन में और लो बीपी में, लो बीपी में ये लो बीपी में भी आसन सब चलेंगे, और लो बीपी के लिए बहुत तगड़ा आसन जो है वो ये है नौका आसन, दोनों पैर दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाएं, इसके सारा वजन कहाँ आया, नाभि पे। अब इसके चार प्रकार है, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार है। ये बैक पेन को भी सही करेगा, ठीक ऐसे ही आना है, ये एक बार में ही आपको थका देगा, ये क्या आसन है, थकाने वाला है, तो ये मोटापे पे भी काम करेगा, डाइजेशन के भी काम करेगा, पीठ दर्द, कंधे दर्द, कमर दर्द, सब पे पूरे दर्द पे भी काम करेगा, साइड का भी काम करेगा। लो बीपी है स्पेशल उसके लिए आसन है कि हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और कॉन्स्टिपेशन के लिए इसलिए कि हमारा जो मणिपुर चक्र है वो जागृत हो जाएगा। ये देख लिया आसन, ये हो गया नौकासन। नौकासन के बाद हम फिर तब करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए साधारण मुद्रा में है, दोनों हाथ पीछे लेके, दोनों हाथ पीछे रख के अब एक एक पैरों को मोड़िए और टखने को पकड़िए। टखने को पकड़ना है, अच्छे से पकड़ना है, अंगूठा दूसरी तरफ, अंगुलियों से अंगूठा मिले, है ना। अब धीरे धीरे कंधे को उठाइए और थाई को उठाइए, दोनों एक साथ उठे ऊपर और होल्ड कीजिए। देखिए पहले मुझे हार्निया था तो ये आसन हम नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी हार्निया खत्म हो गया, ये आसन कर सकते हैं। ये धनुरासन देख लीजिए आप, धनुरासन, जबकि धनुरासन में मोटापा के लिए भी काम करेगा, पाचन तंत्र के लिए भी काम करेगा, आपके थायराइड के लिए भी काम करेगा, बैक पेन के लिए भी अच्छा काम करेगा, ठीक है। ये भुजंग धनुरासन, धनुरासन के बाद विश्राम, और जिन्हें अब बैक पेन है उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, कॉन्स्टिपेशन में भी काम करेगा, बैक पेन में भी काम करेगा। दोनों हाथ दोनों तरफ फैला दीजिए, दोनों हाथ दोनों तरफ ऐसे कंधे के समांतर फैला दीजिए, छीन नीचे रखिए, लेफ्ट लेग को उठाइए, राइट लेग की तरफ ऐसे लेके जाइए, कैंची बनाइए, कमर में साइड में हिस्सा में खिंचाव लाए, इससे क्या होगा, बटिबरा जो है साइड से ओपन होके वहां की मांसपेशियां खुलेंगी और रक्त का प्रवाह होगा, तो वहां की अशुद्धियां दूर होके शरीर शुद्ध होगा, शरीर शोधन होगा और बीमारियां दूर होंगी। फिर अपनी जगह पे लाएं, राइट पैर को उठाएं, लेफ्ट साइड में लेके जाएं, ऐसे ये भाग को ओपन करना है। अब ये भाग दो आसन में ओपन होता है, एक परिवृत्त जानुसिर आसन और दूसरा ये है कैंची आसन। कैंची आसन पीठ पे लेट के, पेट पे लेट के दोनों पे किया जा सकता है बस। और अगला जो आसन है हमारा, हम बैठ जाएंगे, बैठने के साथ अर्ध मत्स्येन्द्रासन, दोनों पैर ठीक सामने, राइट लेग को लेफ्ट लेग के नीचे लेके आएंगे,
लेफ्ट लेग को राइट नी के बाद लेके जाएंगे, नी के बाहर, लेफ्ट साइड से शरीर को टोन करेंगे, ये अर्धमत्स्येन्द्रासन, पीछे लेफ्ट साइड में टर्न हो जाएंगे, जो पैर ऊपर है उसी तरफ टर्न होंगे, उसके अपोजिट हाथ से पैर को फंसा देंगे, ऐसे पीठ एकदम सीधी रखेंगे, ऑल इन वन है ये आसन, बहुत ही सुंदर आसन है, जिसमें शरीर को निचोड़ता है, ये आपके निष्क्रिय लीवर, लीवर के लिए ये भी काम करता है, धनुरासन भी काम करता है, लीवर के लिए भुजंगासन भी काम करता है, शलभासन भी काम करता है। तो बता रहा हूँ कि पूरे शरीर में ऑर्गन्स तो इसी शरीर में लगे हैं, इसी स्पाइन से लगे हुए हैं, सभी ऑर्गन्स के लिए ये अच्छे आसन हैं। इन आसनों को अगर रोज दैनिक जीवन में शामिल किया जाए, ज्यादा नहीं, हम कहते हैं सिर्फ 20 मिनट आसन करिए, 10 मिनट में सूक्ष्म व्यायाम करिए 30 मिनट, और 20 मिनट में आप प्राणायाम कीजिए 50 मिनट, 10 मिनट में आप शवासन कीजिए 60 मिनट, अगर एक घंटा हम अपने लिए नहीं दे सकते हैं तो हमारा जीवन भगवान भरोसे है, फिर छोड़ देना चाहिए और भगवान के भरोसे जीना चाहिए, लाल पीली नीली काली गोलियां जो भी मिले वो खाना चाहिए, अगर एक घंटा अपने लिए नहीं दे रहे हैं तो। एकदम थोड़ी सी तीखी बात है लेकिन बहुत अच्छी बात है ना। और ये हो गया अर्धमत्स्येन्द्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, लेकिन अर्धमत्स्येन्द्रासन के पहले एक आसन हमें बताना था, वो हमने नहीं बताया, उसका नाम है पश्चिम उत्तानासन, जो इनडाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए और लो बीपी के लिए भी और बढ़े हुए फैट के लिए, बैक पेन, कौन सा बैक पेन, जिनके मणकों में अंतर कम हो गया, जिसका वर्टीब्रस में गैप कम हो गया, जो डिफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए। तो कैसे करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने पैरों पर लेट जाएंगे ऐसे, और यहीं सो के पड़े रहेंगे, अपने पैरों से माफी मांगेंगे, है ना, इसलिए किसी और के पैर पे पड़ने से अच्छा है अपने पैर पे पड़िए, किसी और के पैर पे पड़ने की जरूरत नहीं है, है ना। पोजीशन बन गया, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से, जो पैर नीचे है वो नीचे हाथ जाएगा पीठ के ऊपर, पीठ के ऊपर आपकी अगर माताएं बहने हैं तो चोटी पकड़ लें, अपना अपनी चोटी पकड़ लें, बालों को पकड़ लें, मैं अपनी सिंधी पकड़ता था, देखो ये है ना मेरी शिखा, इस शिखा को मैं पकड़ता था यहाँ, और ये हाथ ऊपर से ले जाके, और दोनों हाथों के कंगन जब तक नहीं बन गए तब तक मैंने शिखा से अपना काम चलाया, यस। ये हो गया गौमुख आसन, गौमुख आसन आपके लंग्स के लिए, पाचन तंत्र के लिए, मानसिक विकारों के लिए, कंधे के दर्द आदि दूर करने के लिए ये बहुत ही उपयुक्त और उत्तम आसन है। ज्यादा नहीं, आप दो तीन आसन ले लीजिए, पेट के ऊपर दो आसन कीजिए, पीठ के ऊपर दो आसन कीजिए, बैठ के दो आसन कीजिए, बस हो गया। छह आसन में आपकी पूरी जिंदगी को आप अपने कवर कर सकते हैं, छह आसन ही हमारे लिए बहुत हो जाते हैं, लेकिन तब जब आप आसनों के अभ्यास को पूरी तरह से कर चुके होंगे तब, ये नहीं कि आज ही शुरू किए और आज ही ये बस चार ही आसन करेंगे। भैया हठ योग में 32 आसन बताया है, 32 आसन घेरण्य मुनि ने बताया कि ये 32 आसन कीजिए आप अपने दुखों को दूर कर लीजिए, और यह सत्य बात है। मैंने मेरे दुखों को दूर किया, औरों के दुखों को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं और उसी काम में लगा हूं हर दिन। यह है दूसरी तरफ का गौमुख आसन। बस आज आसनों की श्रृंखला जो है यहाँ खत्म होती है, आसन इतने काफी होते, दो तीन तीन चार, ये चार चरण में अर्धमत्स्येन्द्रासन चार चरण में हो रहा है। यस यस, इसको और नजदीक से दिखाना है तो बता दीजिए, मैं नहीं, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। और हमारा लास्ट से छोड़ के आ जाना है, अभी जो पश्चिम आता पश्चिम उत्तानासन, ऐसे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके गए और अपने पैरों पे गिर गए, अपने yes. पैरों पे, अभी मैं इसका अभ्यास तो हूँ इसलिए मैं, मेरे हाथ दोनों यहाँ पैर के आगे ले जाते हैं, नहीं तो नहीं, जो साधारण साधक है वो बस क्या करें, ये दोनों अंगूठा पकड़ लें, अंगूठा पकड़ में नहीं आता तो रुमाली लगा लें, ऐसे रहें, लेकिन ये बैक को स्ट्रेट रखेंगे। मेरी एक बात को ध्यान देना प्लीज, आप लोग बैक को स्ट्रेट रखना है, बैक में हम्प नहीं लाना है, बैक को स्ट्रेट रखिए ऐसे सीधा, और धीरे 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 से अपने पैरों पे ले जाइए और अपने पैरों से माफी मांगिए। ये आप ही साधु हैं, आप ही सन्यासी हैं और आप ही राक्षस हैं, क्योंकि यह मन ही स्वयं की, स्वयं का शत्रु और स्वयं का मित्र है, ऐसा भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यस यस, चलिए बढ़िया, शत्रु न बन के आप अपने मित्र बनिए।
ये पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन के बाद माताएं बहनें जो हमारी हैं, कल की जो हमारी बहन पूछ रही थी, उनके लिए एक बहुत विशेष आसन है, आप देख लीजिए। ऐसे दोनों हाथ पैर के नीचे रख के दोनों नी को जमीन की तरफ दबाएं। अगर जमीन की तरफ नी नहीं दब रहा है तो मैं एक हंसी छोटी सी करता हूं कि अपने बच्चों को बोलिए एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ, और आपके सर को पकड़े और खड़ा हो जाए, और आप इसी आसन में बैठे रहिए। तो ये जो प्रोलैप्स है, प्रोलैप्स को ठीक करने वाला आसन है, आप बैठिए इसमें आधा घंटा, देखिए प्रोलैप्स है इसे 3 महीने में क्यों नहीं ठीक हो जाएगा, है ना। और बच्चेदानी से संबंधित विकार दूर करने में परम परम औषधि है, परम औषधि भद्रासन। भद्रम पश्यन्ति, शुभ देखें, यहां शुभ संकल्प करें, मूल बंध को अंदर की तरफ खींचे, गुदाद्वार को अंदर खींचे, पेल्विक रीजन की सारी मसल्स को ऊपर खींचे और ऐसे बैठे रहें। जिन्हें ध्यान करना है ना, उसमें ध्यान करें, ये आसन ध्यान का आसन है। भद्रासन, वज्रासन, पार्श्वासन, पद्मासन, स्वास्तिक आसन, ये सब आसन किसके लिए हैं? ध्यान के लिए। तो आप यहाँ ध्यान कीजिए, ये आसन में बैठा दीजिए, ध्यान कीजिए, डबल डबल फायदा होगा। चलिए धन्यवाद, आप मेरा काम यहाँ खत्म होता है प्रभु जी, अब आगे बोलिए आप। Thank you.